दाई हम ते तब बच्चे आँच होते हैं दाई देखो तीन तीन बच्चे दो बच्चे आँच होते हैं और तब बच्चे की वीडियो बन गई है एक ऊपर बैठे मोटर मतानी और वो सारे मोटर मतानी ऊपर बैठे हैं उनके बच्चे बहुत तुम्हें कहाँ दिख रहे हैं नीचे करो थोड़ा नीचे करो हाँ ये देखो दिख रहे हैं ना बच्चे कबूतर के तुम्हें दिख नहीं रहे हाँ एक ऊपर बात है वो देखो गाइस हाँ दिखाओ तो सही गाइस को पेट ऊपर बात है ना गाइस ये तो सारा पेट आ चुका है हमारे बाल भी नीचे उठते हैं अभी छोटे छोटे हैं अभी थोड़े बड़े थे अब छोटे हो रहे हैं गाइस देखो सारे अनार अनार यहाँ पे अनार ये लग रही है गाइस दे अनार गाइस देखो दे रहे अनार देखो ये अनार ये रहा ये ना ना अनार ये अनार अब दूसरा वाला दिखाएंगे आपके तो ये तो बन चुका है बड़ा बड़ा अब सब हम तोड़ेंगे वो निकल रहे अच्छे वो निकल चुके हैं वो निकल चुके हैं सारे के सारे अब तो और दिखा मुझे बताओ रहे तो गाइस हमारे स्टेप तुम्हें अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर बताना चलो अब उनके बारे में टेस्ट करने जा रहे हैं ये भी वो हो गया ना हाँ ये अभी सॉफ्ट कितनी सॉफ्ट है तो ये फ्रिज का टेम्परेचर मैंने चेक करा अभी था ही नहीं फिर मैंने बढ़ाया इसको अब तो चलिए भाई कर लेते हैं टेस्ट चलो भाई खाते हैं कुछ ये खाना खाने के बाद ये मीठा जरूर खाते हैं इसलिए अलग निकाल के रख दी थी मैं बोलो भी कुछ मजा आ गया चट्टा तो ऐसा क्या है जैसे नमक मिर्च का बनाया हो मिर्ची बहुत लग रही है इसमें लेकिन अपन ज़्यादा रहे बढ़िया लग रहा है चलो कोई बात नहीं और अभी ना बताऊँ कैसा लग रहा है जैसे बेसन की बर्फी होती है ना बेसन की बर्फी का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर बेसन चना वाला वही है मैं बताऊँ असल में वही है चना पीस के फिर उसके अंदर हम चीनी मिला के नहीं खाते थे बचपन में हाँ समझ गए भूरा जैसा हाँ बोल मैंने भी खा रखा है बहुत अलग लेवल का है बस ये अभी थोड़ा जो है ना मेल्ट हो रहा है हाँ। और उसमें मीठा भी ठीक है ठीक का मतलब ही नहीं बहुत ज़्यादा ठीक का मतलब एकदम सही उस पर चल रहा है एकदम हम जो एक्स्ट्रा खाना चाह रहे हैं मीठा वो डाल सकते हैं लेकिन हम लोगों से नहीं खा जाएगा इससे ज़्यादा नहीं खा तो लेते हैं लेकिन पर हमसे नहीं खा जाएगा ना ज़्यादा मीठा खूब एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो खूब एक्सरसाइज करो खाओ दबा के अच्छा गांठ को बुलाना जरा गांठियो तो भाई साहब मेरे साथ में गांठियां आ चुका है गांठियां नमकीन और ये खा के बताएगा इसका टेस्ट किसको कैसे लग रहा है मैंने तो खा के आपको बताया मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है खा के और अब हम गांठियां से पूछ लेते हैं गांठियां इसका टेस्ट बताना कैसा है पसंद है खा के जरा गाइस को टेस्ट बताओ कैसा लग रहा है क्योंकि आपको मीठा पसंद नहीं है इसलिए मैंने तुम बताओ कैसा लग रहा है गाइस को अच्छा है गाइस को खाना चाहिए इसमें बोलो इसमें ताकत होती है इसमें ताकत होती है इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है नट्स पड़े हैं इसके अंदर भुने हुए चने भी है इसमें भुने हुए चने भी ताकत आती है और घी और दूध भी है इसमें हाँ दूध भी है दूध से भी ताकत आती है ओ भाई साहब मजा आ गया भाई साहब एकदम यार भाई साहब बेहतरीन बनाया भाई साहब जब मम्मी को टेस्ट करा गया वाह भैये क्या बनाया भैये चाचू के साथ भैये लो खाओ और खाओ तुम इससे उठाओ इससे हाँ खाओ बाऊजी को तो बहुत पसंद आई बाऊजी तो था गए हाँ बोल ओ भैये कैसे लग रहा है तो भाई साहब बहुत बढ़िया लगा इसका नाम क्या है इसका कुछ नहीं नॉर्मल चने की मिठाई है चने की मिठाई घर की चने की मिठाई सत्तू की मिठाई चने की मिठाई चने का सत्तू तुमने बनाई थी कब कल बनाई थी आज नहीं चल कल बनाई थी झूठ मत बोलो तुम झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ पता हुआ था तो होता नहीं है तो भाई देख लो भैया गुंडिया ने हमारे कर दिया इसे पास ये मैंने अभी तक ये नहीं खाया नहीं था अभी तक ये खा लो खा लो
कोई बात नहीं, चाचू खिला देंगे। उठा लो, मैं तो खा लो बाबू, मेरी झूठी है तो आप खा लो, खा लो कोई बात नहीं, आप खा लो हाशे, खा लो कोई बात नहीं। कीशा आ गया रे, चूस लूंगा चूस लूंगा चाट लूंगा। चलो आप करो, चलो भाई साहब, मिलती हूँ।